महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा दो दिवसीय महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ सोफिया गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर के अध्यक्ष प्रवीण माथुर थे। कार्यक्रम में वेस्टर्न सोलो, कॉलाज पोस्टर, क्ले मॉडलिंग, रंगोली, कार्टूनिंग, क्विज, स्पोर्ट फोटोग्राफी, एलोक्यूशन, वाद विवाद, सोलो और ग्रुप सॉन्ग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताओं में राजकीय कन्या महाविद्यालय, स्विफ्ट कॉलेज भीलवाड़ा, मारवाड़ कॉलेज कुचामन, एमएलयू कॉलेज भीलवाड़ा, एसडीपीजी कॉलेज भीलवाड़ा, डीआर कॉलेज कुचामन, टीटी कॉलेज अजमेर, प्रज्ञा कॉलेज विजयनगर, आदर्श कॉलेज कुचामन, जुपिटर कॉलेज राजकीय महाविद्यालय पुष्कर, एसडीएम कॉलेज भीलवाड़ा, राजकीय कॉलेज केकड़ी और सोफिया कॉलेज अजमेर की टीम्स भाग ले रही हैं। चलेगा और दो दिन सोफिया कॉलेज वेन्यू है उसका और एक दिन एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम होगा। इवेंट्स हमारे कैटेगरीज जो हैं इसकी इसके अंदर सोफिया गर्ल्स कॉलेज के अंदर हमने जो म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के जो कंपटीशन है वो आज होंगे और उसके अलावा जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ के कार्यक्रम हैं वो कल होंगे और जो परसों हैं वो थिएटर इवेंट्स और वैलिडिटी जो है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड जो पारितोषिक वितरण होगा वो एमडीएस यूनिवर्सिटी में होगा। दयानंद महाविद्यालय में गुरुवार से 28वीं अंतर महाविद्यालय खो खो पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर दयानंद महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के बीच हुए पहले सेमीफाइनल में दयानंद महाविद्यालय ने एक पारी और 10 अंक से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा सेमीफाइनल राजकीय महाविद्यालय केकड़ी और आलोक महाविद्यालय केकड़ी के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में 14 टीम्स की प्रविष्टि प्राप्त हुई लेकिन खेलने के लिए मात्र 4 टीम्स ही पहुंची। 28वीं अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता दयानंद महाविद्यालय के खेल प्रांगण में आज से प्रारंभ हुई है, मगर दुख की बात यह है कि इस प्रतियोगिता के लिए हमें 14 टीमों की प्रविष्टि प्राप्त हुई थी मगर प्रतियोगिता में मात्र 4 टीमें ही भाग ले रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमारा खेल का स्तर है वो कितना कम होता जा रहा है। तो मैं सभी महाविद्यालयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खेल और खिलाड़ी हित में ज़्यादा से ज़्यादा टीमें अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भेजें जिससे कि खेल स्तर ज़्यादा अच्छा हो सके।